आज हमारी जगह थोड़ी अलग हुई हुई है क्योंकि अंदर लाइट नहीं है, एसी बंद हुआ है और हम आके बाहर बैठ गए हैं। हिराल को मैं अंदर खाना खिलाने आई हूँ और ये खाना छोड़ के और बाकी सारे काम इसको पसंद है, बस इसको एक खाना नहीं। तो फाइनली मेरी क्राई हो गई है रेडी और देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है, कैमरा में भी अच्छी लग रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हो रहा है हमारा नाश्ता। आज हमारी जगह थोड़ी अलग हुई हुई है क्योंकि अंदर लाइट नहीं है, एसी बंद हुआ है और हम आके बाहर बैठ गए हैं। हिराल हेलो, हमारा बेटा क्या कर रहा है? और इसके लिए भी मैंने ये पोटैटो बॉईल कर दी है और बस नाश्ता करती हूँ, इसको भी खिलाती हूँ अगर ये आके नीचे बैठती है मेरे पास। तो आई थॉट जब तक हिराल सोई है मैं जाके कुछ बना देती हूँ। चिकन ही बनाने वाली हूँ। तो ये अभी तो बहुत ज़्यादा बर्फ बना हुआ है, इसको पहले रखना पड़ेगा थोड़ी देर गर्म पानी में और उसके बाद फिर इसके लिए भी पहले ये जब तक पिघलेगा तो तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। ये मेरा ईद का सूट है लेकिन ये मैं आपको फिर ईद से पहले ही दिखाऊंगी। रात को चिया सीड्स जो है इनको रखा था भिगो के और अब सुबह ये पानी, क्योंकि सुना है ये भी वज़न कम करने में हेल्प करते हैं, तो देखते हैं इसको ट्राई करते हैं फिर करता है कुछ कि नहीं करता है। मैं अंदर खाना खिलाने आई हूँ और ये खाना छोड़ के और बाकी सारे काम इसको पसंद है, बस इसको एक खाना नहीं पसंद। हिराल हीलो, हीलो, हिराल देख लो ना इधर, हीलो ये देख रही है उधर ड्रेसिंग टेबल पे, इधर इसको पता नहीं क्या नजर आ रहा है, जो भी नजर आ रहा है वो उसको अच्छा लग रहा है, बस इसको पकड़ने की कोशिश में। अब तो ये बैठ के एंड तक पहुंच जाती है, मतलब एंड से आगे भी चली जाए अगर इसको कोई पकड़े नहीं, लेकिन ये चक्कर है। हिराल चलो थोड़ा सा खा लो, चलो चलो आज आज मेरा बेटा थोड़ा सा खाएगा उसके बाद हम बाकी काम करेंगे, ठीक है? फिर हम प्लेइंग भी करेंगे। हेलो, खाना नहीं है बस। थोड़ा सा खा लो ना बेटा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। ये लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारी, ये लड़ती है। अब मैंने थोड़ी देर इसको बिठा दिया है खेलने के लिए, ये खेलेगी और जब तक ये खेलेगी मैंने जो अंदर चिकन निकाल के रखा हुआ है उसको बनाती हूँ। ये पड़ा हुआ चिकन और बस अब मैं टमाटर लेके आती हूँ। तो कढ़ाई की ये सिचुएशन है कि चिकन मैंने रख दिया, चिकन फ्राई हो रहा है, साथ मैंने टमाटर भी काट के रख लिए हैं और ये ग्रीन चिलीज डलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं डलेगा, कोई सब्ज़ी नहीं डलती, सिर्फ मसाले डलते हैं इसमें। बस ये थोड़ा सा होगा, फ्राई होगा, गोल्डन होगा, ज़्यादा गोल्डन ही बिल्कुल लाइट सा, तो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डलेगा, वो भी लेके आते हैं। हिराल को मैंने अंदर भेज दिया क्योंकि बाहर गर्मी हो रही थी और लाइट आ गई अब, तो अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल लेती हूँ। ये पेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ये पेस्ट यूज़ करती हूँ शान के, और सेकंड जूते पहन लूँ और ये डालेंगे और बस बाकी घर के जो सिंपल मसाले, नमक, मिर्चें और ये सब कुछ। तो फाइनली मेरी क्राई हो गई है रेडी और देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है, कैमरा में भी अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे ख्याल, हाँ इसकी रेसिपी तो है मेरे चैनल पे, मेरा फर्स्ट व्लॉग जो है वो इसी रेसिपी का है, तो अगर आपको ये बनानी है तो आप जाएं देखें और बनाएं, एंजॉय करें क्योंकि ये बहुत मज़े की होती है। और फिर शाम को हम लोग चले गए नानों के घर, मेरी नानों के घर, क्योंकि मेरे मामू की बेटी आई हुई थी, उसको मिलने के लिए जाना था और ये वहाँ पर किसी को नहीं पहचान रही थी और बस देख के रोती थी।
हिराल हिराल बंदा ना दुनिया में कहीं भी चला जाए, किसी भी जगह भी चला जाए, लेकिन ये नानों का घर जो होता है ना, ये यहाँ पे आके अलग ही फीलिंग होती है यहाँ की। क्योंकि आप बचपन से यहाँ, और हम तो इतना आते थे यहाँ पे क्योंकि हमारा घर करीब था हमारे घर से, नानों का घर, और हम लोग तकरीबन डेली आते थे। और बस यही होता था हमारा कि इधर खाना खाना है, इधर ही रहना है, इधर ही खेलना है। और अब बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी यहाँ आके वही फील होता है और बहुत मज़ा आता है। और मेरे नाना अबू जो हैं वो हर टाइम मामू के छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो उनको खुश करने में लगे रहते हैं। और ये उनके लिए झूला लाए हैं कि ये लोग खेलें, अनमता लोग सारे। और ये अब इसमें हम भी बैठ गए थे, मज़ा बहुत आता है इसमें बैठ के। और बस अनमता ये यहाँ पे हिराल के साथ खेल रही है। और ये इधर नानों के घर पे एक छोटी सी मुर्गी भी है। इधर बच्चों को भी मुर्गी अच्छी लगती है तो फिर इनको भी रख के दी हुई है इन्होंने एक। नमता ये किसकी मुर्गी है? और ये मेरे एक मामू है। और उसके बाद बस बच्चे खेलते रहे और मैं भी उनके साथ खेलती रही। और फिर उसके बाद बैठ के हमने काफ़ी सारी बातें की, बहुत देर तक हम बातें करते रहे। हिराल को दूध, हिराल जो वही हिराल के ड्रामे थे, इसको मुश्किल से दूध पिलाया। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज व्लॉग। इफ यू रियली लाइक द वीडियो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।